मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा है, हम हरियाणा के रहने वाले डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र के हैं, इस समय प्रॉपर लुधियाना में रह रहे हैं। मेरे लड़के का नाम कमल कुमार शर्मा और उसकी वाइफ का नाम कविता शर्मा है, जिन्होंने लुधियाना में बड़े बड़े हॉस्पिटलों से इलाज कराया, उसके बाद दिल्ली से भी कराया, जो कामयाब नहीं हुआ। हमने 13 साल से बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी, यहाँ पर जो हमने केस कराया बिल्कुल नॉर्मल। हमारी उदयपुर की सीट बुक थी, हम वहाँ जाने वाले थे, हमें किसी ने बताया, हमारे सिस्टर ने उस क्षेत्र से, कि भी यहाँ पर वरदान हॉस्पिटल में आप इलाज कराओ। हमने यहाँ इलाज कराया, जहाँ हमारी पहली दफा में ही 2 लड़कों ने जन्म लिया। मैं बबीता रानी लुधियाना से, मेरा बेटा कमल और कविता रानी मेरी बहू बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमने हर जगह बहुत ज़्यादा इलाज करवाया, कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उनका दिल टूट चुका था, पूरे परिवार का दिल टूट चुका था। उसके बाद हमें वरदान हॉस्पिटल का पता चला, तो हमें यहाँ सर से, मैडमों से, स्टाफ से बहुत प्यार और बहुत अच्छा इलाज, हर चीज़। हम एक बेबी चाहते थे, हमें 2 बेबी मिले। उसके हम हॉस्पिटल के सब स्टाफ के, डॉक्टर के, मैडमों के, सबके आभारी हैं, और हम पूरी ज़िंदगी ये भूल नहीं सकते कि वरदान हॉस्पिटल का इलाज जैसा है वहाँ ऑल इंडिया पंजाब कहीं भी नहीं है। हमारी बहू कविता रानी को प्रेगनेंसीज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते थे ना, तो कोई सुनवाई नहीं होती थी, जब हम यहाँ पे आए ना, हमें इतना प्यार मिला जो कहीं भी नहीं मिला। और जो हम थोड़ी सी प्रॉब्लम भी सर के साथ बात करते थे ना, तो जैसे 1 दिन 2 दिन यहाँ पे रखते थे, हर बात सुनते थे, 9 महीने हमें कोई समस्या नहीं हुई। जैसे मेरे बच्चों को यहाँ से वरदान हॉस्पिटल से फ़ायदा हुआ है, वैसे ही जिस माँ बाप के बच्चे नहीं हैं, वो हर माँ बाप वरदान हॉस्पिटल में आके बात करें और सर से मिलें। जैसे हमें यहाँ से फ़ायदा हुआ है, सबको होगा, कोई भी माँ बाप बिना औलाद के नहीं रहेगा।